हे गाइस, हाय, वेलकम अगेन इन टेकी शर्मा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इथिकल हैकिंग के बारे में। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप इसे सीखें और बिल्कुल सही अपना सही कैरियर चूज करें। हम इसके बारे में, इथिकल हैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, एक वर्ड्स है साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं कि हम एक इथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका इंडिया में कैरियर कैसा है, इसका फॉरेन में कैरियर कैसा है, इसका सैलरी क्या है इंडिया में और फॉरेन में। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पे जाएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है, अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, इथिकल हैकिंग क्या होती है। इथिकल हैकिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा हैकिंग क्या होती है। जब हम किसी के डाटाबेस में, किसी के वेबसाइट में, किसी के ऐप में या फिर किसी के लैपी में, जब हम उसके परमिशन से या फिर उसके परमिशन के बगैर इंटर करते हैं, उसे हैकिंग कहते हैं। हैकिंग तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स पूरी तरह से अनइथिकल होते हैं। ये किसी के डाटाबेस में, वेबसाइट में, ऐप में या लैपी में बिना उसके परमिशन के अंदर घुस जाते हैं और उसका कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो बिल्कुल अनइथिकल होते हैं। और दूसरा होता है ग्रे हैट हैकर्स। ये इथिकल भी होते हैं, अनइथिकल भी होते हैं। अब वो कैसे, ये क्या करते हैं, ये भाई साहब अपने इंटरटेनमेंट के लिए हैकिंग करते हैं किसी के डाटाबेस या किसी के लैपटॉप में या किसी के वेबसाइट में, ये इंटर करते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने मस्ती के लिए, तो उसे कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। एक होता है वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स बिल्कुल पूरी तरह से एथिकल होते हैं। ये परमिशन से किसी के वेबसाइट, किसी के डाटाबेस, किसी के ऐप के अंदर घुसते हैं और फिर उसका वीकनेस निकाल के सामने वाले को देते हैं कि आपके वेबसाइट्स के अंदर, आपके डाटाबेस के अंदर ये वीकनेस है। अब साइबर सिक्योरिटी इससे एक रिलेटेड वर्ड है जो आपने सुना होगा, तो इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में अंतर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इथिकल हैकर्स क्या करते हैं कि किसी भी वेबसाइट, डाटाबेस या फिर ऐप का, उसके अंदर वीकनेस को ढूंढते हैं, उसके अंदर बग को ढूंढते हैं, उसके अंदर लूप होल्स को ढूंढते हैं और फिर सामने वाले को बताते हैं कि आपके अंदर ये लूप होल्स ही वीकनेस है। और साइबर सिक्योरिटी क्या करते हैं, उस लूप होल्स का सॉल्यूशन देते हैं, उस वीकनेस का सॉल्यूशन देते हैं कि भाई आपके अंदर ये लूप होल्स है तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप ये सॉल्यूशन यूज करो तो आपका लूप होल्स ख़त्म हो जाएगा, आपकी वेबसाइट की वीकनेस ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। ये अंतर है एक इथिकल हैकर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में। अब नेक्स्ट है कि अब हम भैया इथिकल हैकर बने कैसे, इसके लिए क्या क्या स्किल्स हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्किल है, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए आपको, और ख़ासकर उसमें OSI मॉडल। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर बीटेक बीसीए या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा ही होगा, उसमें आप OSI मॉडल पढ़े ही होंगे, उसके साथ लेयर होते हैं, उसका नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ ये। सेकेंड चीज़, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। देखो यार, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है, हमारा वेबसाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है, हमारा ऐप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है, हमारा डाटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है, तो उसके बिना हम किसी भी वेबसाइट्स या ऐप या डाटाबेस के अंदर जा नहीं सकते। हमें उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो होनी ही चाहिए सबकी। जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होते हैं अभी के समय में, डाटाबेस में, वेबसाइट में, ऐप में, सबकी बेसिक्स नॉलेज होनी ही चाहिए आपने। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है इंडस्ट्री में। अगर आप डाटाबेस की बात करें तो SQL यूज करते हैं हम डाटाबेस में, सर्च क्वेरी लैंग्वेज, तो वो आपको आनी चाहिए। अगर हम ऐप की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी ऐप जावा पे ही बने होते हैं, तो आपको जावा की भी नॉलेज अच्छी चाहिए।
उसके बाद वेबसाइट्स की बात करें तो HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, ये सब मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। गेम की बात करें, गेमिंग में तो C++ यूज होता है या फिर जावा भी यूज करते हैं, लेकिन C++ बेसिक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कॉलेज में भी, या फिर आप स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे तो आपको सबसे पहले C++ सिखाया जाता है, उसके बाद ही कोई लैंग्वेज आप फर्दर सीखते हैं, तो उसका भी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो ये थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा एथिकल हैकर बन सकते हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप क्रिएटिव होने चाहिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिव माइंड के हैं तो आपके लिए बेस्ट एथिकल हैकर फील्ड आप कर सकते हैं, या फिर आप एक सॉल्यूशन फाइंडर हैं, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है तो आपका दिमाग फट से स्ट्राइक करके उसका सॉल्यूशन देता है, तो ये आपको होना ज़रूरी है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो आपको एथिकल हैकर बनने में काम आएंगे। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा एथिकल हैकर बन जाओ। बाकी आपकी प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सीख लें, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो आप सारे फिर भूल जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है सीखने का। तो ये सीखने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका कैरियर इंडिया में कैसा है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया में इसका कैरियर कुछ खास नहीं है। मैं ये नहीं कहता कैरियर है ही नहीं, है कैरियर बट कुछ खास नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका हाई पेड सैलरी है इसमें। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको 3 लाख पर एनम की सैलरी मिल जाती है। अगर आप साल दो साल एक्सपीरियंस आपको हो गया तो फिर आपको 4 लाख 5 लाख आपकी सैलरी जाती है। अगर आप 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर वही सैलरी आपकी 7 लाख 8 लाख जाती है। एवब 10 आपका एक्सपीरियंस है तो आपको आपकी सैलरी 10 लाख 11 लाख 12 लाख जाएगी, पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है इसकी सैलरी। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे आपको इससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिल जाता है, क्योंकि हमारा रुपया उनसे कमज़ोर है। तो इसलिए भी अगर आप एथिकल हैकिंग सीख के अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पे हाई पेड सैलरी है इसके लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर शौक है, अगर आपका एम है कि हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, तो आप बिल्कुल एथिकल हैकिंग सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हैं आप तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक ही सैलरी है, कुछ खास भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही सैलरी है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि आप कैसे काम कर सकते हैं इसमें। आप काम कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर्स। आप क्या करो कि आप जब देखते होगे या जानते होगे, फेसबुक बोलती है, खुद बोलती है कि जो भी मेरे वेबसाइट्स के अंदर, मेरे ऐप के अंदर बग निकाल देगा, वीकनेस निकाल देगा, मैं उसको रिवार्ड दूंगा। आपने सुना होगा, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी अच्छा रिवार्ड देते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो जॉब कर सकते हो। इंडस्ट्री में जॉब है इसकी, बट थोड़ा सा सैलरी मैं समझता हूँ कम है। इससे अच्छा सैलरी एक ऐप डेवलपर के पास है, इससे अच्छा सैलरी एक वेबसाइट डेवलपर के पास है। तो इंडिया में भी करियर है इसका, बट सैलरी कुछ खास नहीं है। मेरे को कुछ खास नहीं लगा सैलरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसे आप इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने आपको, मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ सबको। मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप एथिकल हैकर बन सकते हैं। पहला स्टेप था नेटवर्किंग, आपको आनी चाहिए। दूसरा स्टेप था आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, सी, जावा, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तीसरा है आप क्रिएटिव माइंड्स के होने चाहिए। चौथा है आप एक सॉल्यूशन फाइंडर होने चाहिए, तभी आप एक बेस्ट एथिकल हैकर बन सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप सीखें इससे और बिल्कुल सही गाइडेंस लें। एक बार फिर मैं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और हमारे
लिंक के थ्रू यूट्यूब चैनल पे जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये चैनल है, और इसमें हम काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी अपने एक्सपीरियंस को यूज करके हम आपको नॉलेज देते हैं, तो आप नॉलेज लें और सही गाइडेंस पाएँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।